सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। देखिए, अगर एक्शन होना तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा ही एक्शन होना चाहिए, यानी कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी जो एक्शन करते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त एक्शन करते हैं। और अगर कहीं पर एक्शन की ज़रूरत हो तो मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स को भी ये एक्शन फॉलो करने चाहिए। हुआ क्या कि एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और एक अंडरपास जो रहता है हर जगह पर, कई जगहों पर निकलने का रास्ता बनाया जाता है ब्रिजेस के नीचे से, उसी तरह का एक अंडरपास था। वहाँ से बारिश में कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे और एक महिला एक बाइक के ऊपर बैठी हुई थी, तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो वहाँ पर उस महिला को हरास करते हैं, उस महिला के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं। ये वीडियो एक वायरल होता है और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ, ये जो वीडियो वायरल हुआ है ना, ये गोमती नगर का है, लखनऊ का। और इसके अंदर जब ये वीडियो सामने आता है तो योगी जी ने उसी समय पूरी की पूरी चौकी ही सस्पेंड कर दी, यानी कि पूरी एक पुलिस पोस्ट गोमती नगर की, वो पूरी की पूरी चौकी ही सस्पेंड कर दी, जिसके अंदर SHO के साथ अन्य जो ऑफिसर्स थे वहाँ के, वो सब के सब जो है सस्पेंड कर दिए। जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, इस बड़े एक्शन में एक दीपक कुमार पांडे हैं जो SHO हैं गोमती नगर के, वो भी सस्पेंड हुए, और चार अन्य लोग जो ही पुलिस स्टेशन में ही वहीं पे काम करते थे, एक सब इंस्पेक्टर ऋषि विवेक और एक कपिल कुमार और कांस्टेबल धर्मवीर और वीरेंद्र कुमार, इन पांचों के पांचों को ही सस्पेंड कर दिया। और साथ ही में उन लोगों को भी हिरासत में लिया जो वहाँ पर CCTV फुटेज में नज़र आ रहे थे। तो ये एक एक्शन है और ये एक ज़बरदस्त एक्शन योगी जी का, जिसमें पूरी की पूरी चौकी को ही सस्पेंड कर दिया। मुझे लगता है कि अभी तक के एक्शंस में सबसे बड़ा एक्शन है कि अगर इस तरह की कोई बात करता है तो वहाँ पर हमारे जो इस तरह के एक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो योगी जी ने ये एक्शन लिया है और गोमती नगर में पूरी की पूरी पुलिस चौकी को ही सस्पेंड कर दिया है, जिसके अंदर SHO के साथ सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल और अन्य जो लोग थे वो सब के सब सस्पेंड कर दिए, मतलब पूरी की पूरी चौकी को ही सस्पेंड, और नए अफसर वहाँ पर लाए गए हैं। क्योंकि योगी जी का ये कहना है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध जो है सहन नहीं किया जाएगा यूपी के अंदर। मुझे लगता है कि बाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ पर भी ऐसा महिलाओं के साथ कोई हरासमेंट होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।